बात करते हैं सूत्र निकलम से मल्टीप्लिकेशन करना, गुणन करना, तो सूत्र निकलम क्या होता है, क्या होता है बेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहां पे आप लोगों को लिख देता हूं, एक होता है बेस जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार, ठीक है। दूसरी बात सब बेस, सब बेस इसको बोलते हैं उपाधार। तीसरा होता है सब बेस डिजिट, सब डिजिट के अंदर बात करते हैं उपाधार अंक, उपाधार अंक होता है, ठीक है। और एक होता है आप लोगों का डेविएशन, डेविएशन ओके, जो डेविएशन को डिफरेंस ही बोलते हो आप लोग, इसको बोलते हैं विचलन। क्या होता है ये आप लोगों का विचलन, ओके। चलो बात करते हैं आप लोग के निकलम सूत्र से ही करने के लिए, ये चीज हमारे पता होनी चाहिए कि सब बेस क्या होता है, ठीक है, सब बेस क्या होता है, सब बेस डिजिट क्या होती है और डेविएशन क्या होता है, ओके। तो देखिए बेस, बेस हमेशा बच्चों ध्यान रखना आप लोग कि हम बेस हमेशा या तो जीरो और वन होगा, या तो वन होगा, ठीक है, या तो क्या होगा वन होगा, टेन होगा, या हंड्रेड होगा, या थाउजेंड होगा, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। ये है बेस की बात। सब देखो, और दूसरी बात करेंगे सब बेस डिजिट की, सब बेस डिजिट क्या होता है। देखिए आप लोग, जैसे मैं बात करूं ये 56 है, तो 56 का अगर बेस मानू तो क्या मान सकता हूं मैं, 10 मान सकता हूं। क्यों मान सकता हूं, अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो कितना आएगा मेरे पास में 50 आ जाएगा, क्या आएगा 50 आ जाएगा, तो मैं इसको मान सकता हूं। 54 में भी किसको मान सकता हूं, मैं 10 को बेस मान सकता हूं। लेकिन अगर 108 में, 108 के अंदर अगर बात करें बेस की, आधार की बात करें, तो इसका जो आधार होगा आप लोग के पास बच्चों वो होगा 100, क्योंकि 100 के अप्रोक्स, 100 के पास में है। समझ आई बात आप लोगों को, ठीक है। तो सब बेस से आप करते हैं इसको, ये जो 5 हो जाएगा मेरे पास में, ये 5 हो जाएगा मेरे पास सब बेस डिजिट उपाधार अंक। और अगर इस उपाधार अंक को मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, बेस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो बनकर आएगा आप लोग के पास उपाधार। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को। तो सब बेस डिजिट कितनी होगी यहां पे बात करूं तो 5 हो जाएगी, और यहां पर कितनी हो जाएगी 5 × 10 मतलब आप लोगों की कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, ठीक है। और बात करता हूं डेविएशन की, इस डेविएशन जो विचलन होता है वो क्या हो, वह क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो विचलन होता है आप लोगों का, विचलन हमेशा, विचलन आप लोग के नंबर माइनस बेस होता है, मतलब संख्या माइनस आधारी आप लोगों का विचलन होता है, संख्या माइनस आधार, ठीक है, नंबर माइनस बेस आप लोगों का विचलन कहलाता है। विचलन आप लोगों का दोस्तों पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे 56 के अंदर, तो 56 में अगर देखते हैं आप लोग क्या होता है, सॉरी आधार नहीं उपाधार, ये होगा आप लोगों का उपाधार, उपाधार ओके, उपाधार होगा आप लोगों का। तो देखिए संख्या में से अगर उपाधार को माइनस करता हूं, तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे 56 की, क्या बात कर रहा हूं 56, अगर 56 में से मैं 50 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, अगर 56 में से मैं 50 माइनस करता हूं, उपाधार कितना है 50, ठीक है, और संख्या कितनी थी मेरे पास में, संख्या कितनी 56, उपाधार है मेरे पास 50, अगर माइनस करूंगा तो डेविएशन निकल के आएगा मेरे पास में 6, वो भी कौन सा प्लस का 6, पॉजिटिव निकलकर आएगा, यही मेरा डेविएशन होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन करके हम लोग इस पैटर्न को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिएगा ये 56 है, 56 को मल्टीप्लाई करना है 54 से, 56 को गुणा करना है, 54 से गुणा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आधार बनाएंगे, आधार कितना होगा इसका 10 होगा, कितना होगा 10 होगा, शाबाश। फिर उपाधार अंक की बात करते हैं, सब बेस्ट डिजिट की अगर बात करेंगे, तो अगर मैं इस 10 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि 56 के अप्रोक्स आ जाए, तो ये क्या होगा आप लोग के पास में, इसका होगा आप लोग 5, कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 50, मतलब 56 के अप्रोक्स आ गया ये वाला, ओके आ गया। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसका ये मेरे पास में हो जाएगा सब बेस, ये हो जाएगा सब बेस डिजिट, ये हो जाएगा मेरे पास में बेस, ओके। अगर डेविएशन की बात करता हूं, डेविएशन की बात करूंगा तो 56 का डेविएशन कितना हो गया 6, और 54 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए
अब क्या करता हूं मैं इन दोनों नंबर्स को, ये जो दोनों नंबर है इन दोनों को क्या करता हूं मैं 56 कर दिए और यहां पे क्या कर दूंगा 54 कर दूंगा। ये नंबर लिखने के बाद में इन नंबरों के सामने जस्ट सामने लिख दूंगा इनका डेविएशन, तो 56 का डेविएशन कितना हो जाएगा प्लस का 6 और इस 54 का कितना हो जाएगा प्लस का 4 और यहां पर एक मैं डंडा बना दूंगा नीचे, डंडा बना दिया। अब डंडा बना दिया देखिए आप लोग, अब क्या करता हूं कि मैं इनमें से एक वैल्यू लेता हूं, एक वैल्यू या तो 56 को ले लूं या 54 को ले लूं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं अपने मन से, मैंने 56 ले लिया, लो 56 ले लिया। अरे 56 के अंदर मैं ऐड करूंगा, अगर मैं 56 लेता हूं तो मुझे 4 को इसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस में ऐड करूंगा। लेकिन अगर मैं 54 लूंगा तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 को ऐड करना पड़ेगा। आई बात सुन रही, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देख लीजिए आप लोग दोनों में से एक चीज ले लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 56 और 4 को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास 60 आता है, वहीं पर अगर 54 को 6 से ऐड करते हो तो भी आपके पास कितना आता है, 60 आता है। एक ही बात है, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 56 को मैं 56 में 4 ऐड कर देते हैं, ये लो 4 ऐड हो चुका है। और उसके बाद में जो आप लोगों के पास सब बेस्ट डिजिट है, उपादर अंक है, उस उपादर अंक को इस नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। बीच में एक ऐसे आप लोग डंडा बनाओगे, ओके क्या बनाओगे, डंडा बना दोगे, डंडा बन गया। अब क्या करिए, इस खंड में, इस पार्ट में आप लोग जो डेविएशन है उस डेविएशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 6 को 4 से, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब देखिए आप लोग, ये हो गया मेरे पास में 5 × 56 और प्लस 4 कितना हो गया है 60 और डंडा, और 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना रहेगा 24, कितना रहेगा मेरे पास में 24 आ जाएगा। इस 5 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 300 आएगा और यहां पे आ जाएगा आपके पास 24। अब एक बात सोचने वाली है, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं 300/2 और 4, मैंने 2 को नीचे लिख दिया और 4 को ऊपर लिख दिया, ऐसा क्यों किया देखिए आप लोग। 56 और 54 के अंदर मैंने जो कंसिडर किया है, जो मैंने आधार माना है, आधार जो बेस माना है वो कितना माना है 10 माना है, और 10 माना है तो 10 के अंदर कितने जीरो होते हैं, 1 1 0 होता है, कितना जीरो होता है 1 0 होता है, इसलिए मैंने एक डिजिट को ऊपर लिख दिया और एक डिजिट को मैंने नीचे लिख दिया। और तो क्या करता हूं, इस 2 को मैं क्या करता हूं इस साइड में एज अ कैरी एक हासिल के तौर पे इधर दे देता हूं और हासिल इधर आकर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। इधर बचेगा 4 को एज इट इज लिख दिया मैंने, अगर 2 को मैं 0 में एड करता हूं तो कितना बचेगा मेरे पास में 2 ही आएगा और यही 30 है, ये 0 का 0 और 3 का 3, तो ये हो जाएगा आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन, किससे सूत्र निखिलम से मल्टीप्लिकेशन गुणन करने का तरीका। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को, इसी मेथड को और अच्छी तरह समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम आपके लिए, देखिएगा कि 108 को 112 से मल्टीप्लाई करते हैं, 108 को 112 से गुणन करते हैं, तो गुणन कैसे करेंगे देखिएगा आप लोग। सबसे पहली बात हम बात करेंगे आधार की, जो इसका आधार होगा बच्चे दिख रहा है, देखिए चलो इसको मिटा देता हूं, मिटा के मैं करता हूं आप लोगों के पास, ये बात करता हूं इसमें, तो 108 112 किसके करीब आते, 10 के करीब आते, 100 के करीब आते, 1000 के करीब आते, ऑफकोर्स ये तो 100 के करीब आएंगे, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा। सब बेस डिजिट की बात करूं तो देखो 100 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इनके पास में आ जाए 1 से, ठीक है, तो इसका उपादर अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं उपाधार की, सब बेस की, तो सब बेस का 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब डेविएशन की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए डेविएशन कितना हो जाएगा 108 108 - 100 कितना हो गया आप लोग का 8, तो प्लस का 8 इसका डेविएशन हो जाएगा। देखो लिख देते हैं यहां पे, कर लेते हैं तो 108 और यहां पे लिख देता हूं मैं 112, ठीक है। 108 का डेविएशन होगा, विचलन होगा, इसका जो विचलन हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा और इसका विचलन कितना हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर नीचे साइड डंडा खींच दिया, डंडा खींचने में इसको 2 पार्ट से डिवाइड कर दूंगा, ये लो 2 पार्ट से डिवाइड कर दिया, जो पहला पार्ट होगा
जो पहला पार्ट होगा उसमें क्या करता हूं कि पहले पार्ट सबसे पहला काम है मेरा कि अगर ये डिजिट लूंगा, देखो इसको इसको ऐड करो कितना आएगा 120, और इसको और इसको ऐड करो ये भी कितना आएगा 120, मतलब मैं किसी भी एक चीज को ले सकता हूं, लेकिन वो भी किस में लूंगा, क्रॉस में लूंगा, इस तरीके से लूंगा। अगर मैं इसको लूंगा तो मैं इसको ऐड करूंगा, अगर मैं इसको लेता हूं तो मैं इसको ऐड करूंगा, ठीक है। मैं 112 ले लेता हूं तो 112 मैं प्लस करता हूं कितना कितना रहेगा, क्रॉस ऐड करो कितना रहेगा 8 को मैंने ऐड कर दिया। अब बात करता हूं यहां मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, सब बेस्ट डिजिट का, और सब बेस्ट डिजिट कितनी है मेरे पास में 1 है, तो मैं 1 से इसको क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस साइड में क्या करता हूं सेकंड पार्ट के अंदर जो डेविएशन है, डेविएशन को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिएगा आप लोग 1 × 112 और 8 112 प्लस 8 कितना हो जाएगा 120, ओके। और 8 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर 8 को आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको के पास में आ जाएगा 96, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, ओके। अब देखिए आप लोग आधार कितना था मेरा, जो बेस था वो था मेरे पास 100, 2 जीरो थी, मतलब मैं 2 जीरो को एक साथ यहां पे लिख सकता हूं। देखिएगा अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 120 ही आएगा, और यहां पे एज इट इज में 96, तो 2 जीरो है तो मैं 2 जीरो एक साथ, मतलब ये 2 डिजिट एक साथ 96 एज इट इज लिख दूंगा, और यहां पे जो बची हुई है वो 120 उसको एक साथ लिख दूंगा। मतलब ये हो गया आप लोग का मल्टीप्लीकेशन। अगर आप लोग 108 को 112 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आप लोग के पास में 12,096। उम्मीद करता हूँ 12,906, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और सूत्र निखिलम से भी आप लोगों को करना आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन, ओके।